नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर कंप्यूटर टेक्निकल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी बताने वाला हूं। देखिए ये भी मशीन जो मेरे पास है, ये डेल का एक बोर्ड है, LA51D071P। तो ये बोर्ड है दोस्तों मेरे पास, ये मशीन डेड है इस समय। इसमें पावर मैं देख रहा हूँ चेक करके, तो SRC की पावर तो दोस्तों इसमें बन रही है, यानी कि जो आपका 19 वोल्ट MOSFET को क्रॉस करके जो मेन बोर्ड पे जाता है, मदरबोर्ड के ऊपर जाता है, वो सप्लाई आपकी यहाँ पे बन रही है। तो मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, अगर आपको मल्टीमीटर में दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ एक DC लगा रखा है इसके अंदर, ठीक है। DC लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मेरी मशीन है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए DC लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरी मशीन कुछ इस तरीके का लोड यहाँ पे सर्च कर रही है। यहाँ पे इस तरीके का जो देखिए, अगर मैं DC निकाल दूँ तो यहाँ पर कुछ 15 पहुँच रहा है, जैसे मैं लगाऊंगा तो बहुत माइनर सा जो है फ़र्क पड़ता है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं इस पर चेक करता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मल्टीमीटर यहाँ पे देखिए 19.36 दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉइल लगी है, इसकी कॉइल पे सप्लाई चेक कर रहा हूँ, यहाँ भी आ रही है। जो इसका पहला MOSFET है दोस्तों, यहाँ चेक कर रहा हूँ तो यहाँ का आउटपुट भी आ रहा है। अब जो मेन जो है सप्लाई यहाँ मदरबोर्ड तक ये पहुँच रही है। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी SRC की सप्लाई है वो मदरबोर्ड तक पहुँच रही है। बाकी और जगह आप देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 19 वोल्ट यहाँ भी आपका शो कर रहा है, यानी कि मदरबोर्ड पे SRC की सप्लाई आपकी ओके है। तो SRC के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जो है आपका RTC चेक कर लेंगे कि RTC की सप्लाई यहाँ पे RTC का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, RTC का जो फ्रिक्वेंसी है वो बन रही कि नहीं बन रही, RTC ऑन है कि नहीं है। तो हम यहाँ बहुत छोटे तरीके से आपको शॉर्ट तरीके में बताएंगे आपको कि RTC आपको चेक करना है तो RTC में क्या चेक करना है। तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने पार्ट नंबर दिखाई दिया है, अब मैं RTC को देखता हूँ, RTC इसका कहाँ पर है। तो RTC के लिए दोस्तों हम पहले क्रिस्टल पर ही चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्रिस्टल जो इसका लगा हुआ RTC का, तो वहाँ देखेंगे फ्रिक्वेंसी जो है उसकी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो उससे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो है एक बार इसका स्मैटिक्स खोल लेंगे। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर को पे इसका स्मैटिक खोल लेते हैं। तो इसका पार्ट नंबर हम डालेंगे अपने कंप्यूटर में, और हमारा जो है स्मैटिक कहाँ होते हैं ये हमने खोल लिया। और यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसका पार्ट नंबर सर्च करके देखेंगे हमारे पास स्टॉक में है कि नहीं है। LA51D071P, ठीक है। हमें इसको इंटर किया है यहाँ पर, तो इंटर करके देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ पे कुछ हमारे इस नाम से भी कुछ है नहीं हमारे पास। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और सीधा हम जाएंगे अपने गूगल पे। तो हमने गूगल पे यहाँ पे हमने देखिए गूगल पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। गूगल पे पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्मैटिक आ रहा है, यहाँ पे हमने स्मैटिक पे कर दिया। स्मैटिक पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले जो है एली सेलर, तो हमें यही सिलेक्ट कर देना है क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि स्मैटिक है, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, तो हमें यहाँ से जो है इस वाले से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमने यहाँ से कर लिया इसको डाउनलोड, तो स्मैटिक हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो हमें इसको शो इन फोल्डर में जाना है और यहाँ से स्मैटिक खोल लेना है अपना। ये लिए हमने स्मैटिक यहाँ पे का खोल लिया। तो स्मैटिक खोलने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, RTC का लोकेशन सर्च करना है। तो सबसे पहले ये RTC का हम क्रिस्टल दिख लेंगे, इस पर लोकेशन कुछ दिखा रहा है कि दिखा रहा। तो ये RTC के क्रिस्टल पर जो लोकेशन दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है YC2। तो हम यहाँ सर्च बार में YC2 लिखेंगे, YC2। तो हमने यहाँ पे YC2 लिख दिया है। YC2 लिखने के बाद जो है यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, तो कहाँ पे है क्रिस्टल, मुझे भी इस लोकेशन यहाँ सर्च नहीं कर रही है, क्रिस्टल दिखा नहीं रहा है कहाँ पे लगा है इस पेज के ऊपर। तो हम इसको एक बार पेज को फिर से नेक्स्ट करेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन क्रिस्टल ये लगा हुआ है यहाँ पर, छोटा है तो चश्मे से थोड़ा दिखाई देने में दिक्कत हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टल ये लगा हुआ है इस जगह पे क्रिस्टल। तो हमें क्या करना है, इसी क्रिस्टल पे जो है एक बार फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी है दोनों पिनों पे लगा के, इधर उधर CRO को
सर हमारे पास DSO, तो हम DSO से चेक कर लेंगे। तो DSO को हम देखिए, हमने यहाँ लगा लिया है DSO को, ये DSO का प्रोब है हमारे पास। तो हम पहले चेक करते हैं कि DSO के प्रोब पे फ्रिक्वेंसी आ रही कि नहीं आ रही। तो दोस्तों यहाँ फ्रिक्वेंसी तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी कोई आ रही है यहाँ पर। मैं दोनों प्रोब पे लगा के चेक कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ कोई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे पता नहीं चल रही है। बाकी मैं एक बार देखता हूँ, शायद मेरी प्रोब सही से ना लग रही हो। तो मैं इसके लिए सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ कि रेजिस्टेंस जो 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी है वो कौन सी है। ये इसमें जो 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी है वो है कौन सी, तो वो मैं फिर चले पहले चेक कर लेता हूँ इसको यहाँ से मैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टल मैंने चेक कर रहा हूँ, तो क्रिस्टल पर फ्रिक्वेंसी नहीं बन रही है। मुझे इसकी रेजिस्टेंस पे चेक करना है कि रेजिस्टेंस पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रॉब मेरी सही से नहीं लग पा रही है। तो मैं पहले रेजिस्टेंस का लोकेशन ढूंढ लेंगे, लोकेशन कहाँ पर है। तो इस साइड तो मुझे कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दिया, तो मुझे लग रहा है कि इस साइड पर रेजिस्टेंस है। तो मैं एक बार इसकी हीट सिंक खोल लेता हूँ, चेक करता हूँ रेजिस्टेंस कहाँ लगी है कैपेसिटर रेजिस्टेंस के। तो ये हमने हीट सिंक हटा लिया, और हीट सिंक हटाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं वाइट कलर के। ये यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं, इसी के पास में शायद रेजिस्टेंस ये लगी होगी 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ जरा आपको, थोड़ा सा जूम हो जाएगा ये। तो मेरे फ़ोन में इतना हैवी कैमरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जूम कर सके, बाकी फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये 10 मेगा की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, इसकी क्रिस्टल दोस्तों यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है। तो हमें इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंटों पर लगा के चेक करना है कि फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो चलिए वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये कहाँ है हमारा, तो ये हमने अपना सॉरी ये ले लिया हमने प्रोब जो है अपनी DSO की। तो DSO की प्रोब हमने यहाँ पर लगा के चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ AC है, और यहाँ पे हम इसको ऑटो कर देते हैं DSO को ज़रा। ऑटो के बाद क्या दिखाएगा यहाँ, तो DSO पे देखो हमने लगाने के बाद हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे जो क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फ्रिक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिक्वेंसी बन रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा अपने पास से इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको DSO में अपने, ये मेरा DSO है, इस DSO के अंदर मैं दिखाता हूँ कि फ्रिक्वेंसी जब लगाते हैं तो फ्रिक्वेंसी कैसी बनती है। तो देखिए इस तरीके की फ्रिक्वेंसी बनती है। आपको जो है अपने DSO को AC मोड पर रखना है, और प्रोब को 10x पर रखना है, और 10x अपने जो प्रोब है उस पर भी 10x कर देना है, और यहाँ पे दोनों पॉइंट पर लगा के चेक करना है। तो देखिए इस तरीके की फ्रिक्वेंसी बननी चाहिए। अगर क्रिस्टल पे आपकी इस तरीके की फ्रिक्वेंसी बन रही है, तो मान लीजिए आपका क्रिस्टल ओके है, आपकी RTC की सेक्शन जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको DSO से कैसे क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, RTC की फ्रिक्वेंसी किस तरीके से आपको चेक करनी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।